हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि आज की वीडियो थोड़ा हटके है और अलग होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को एंजॉय करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारे देश में करीब 800 रेलवे स्टेशन है, जहाँ हर रोज लाखों यात्री सफर करके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। जहाँ कुछ रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वहीं कुछ स्टेशन बहुत ही डरावने भी होते हैं, जहाँ रात के समय कोई नहीं जाता है। इन रेलवे स्टेशन के लिए डरावना शब्द भी शायद कम होगा। असल में ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जाने पर लोगों की रूह तक कांपने लग जाती है। शाम होते होते इन रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा हो जाता है। आइए हम आपको बताते हैं देश के सबसे खौफनाक रेलवे स्टेशन के बारे में, जहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर एक पर है बड़ोग स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ बड़ोग हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह टूरिस्ट के बीच बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन बड़ोग रेलवे स्टेशन और यहाँ की सुरंगों की कहानी बेहद डरावनी है। कहा जाता है कि बड़ोग रेलवे स्टेशन के बगल में मौजूद टनल नंबर 33 के पास अक्सर ऐसी शैतानी हरकतें हो जाती है, जिससे लोग जाने से डरते हैं। नंबर दो पर है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन भूतिया कहानियों के कारण 42 सालों तक बंद था। साल 1960 में खुले इस स्टेशन पर शाम ढलने के बाद लोग आज भी जाने से डरते हैं। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि यहां के स्टेशन मास्टर ने एक रात पटरियों के बीच लड़की के शाय को देखा था। इसके कुछ दिनों के बाद स्टेशन मास्टर और उसके परिवार के लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से यह स्टेशन बंद था और फिर साल 2009 को दोबारा से खुला। नंबर तीन पर है चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इस स्टेशन को लेकर भी भूतिया कहानियां फेमस है। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर आरपीएफ और टीटीई ने मिलकर सीआरपीएफ के एक जवान की खूब पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से लोगों का कहना है कि वहां कुछ भूतिया हरकतें होती रहती है, जिसकी वजह से लोग वहां जाने से भी डरते हैं। नंबर चार पर है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन भी भूतिया कहानियों में फेमस है। इस स्टेशन के बारे में लोगों का दावा है कि यहाँ रात को अक्सर ही गाड़ियों के पीछे किसी औरत का साया दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग देर रात इस मेट्रो स्टेशन पर जाने से बचते हैं। नंबर पाँच पर है लुधियाना स्टेशन, पंजाब। इस स्टेशन की एक अजीबोगरीब कहानी बहुत ही फेमस है। लुधियाना स्टेशन के एक काउंटर के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने वहाँ भूतिया हरकत महसूस किया है। दावा किया जाता है कि यहाँ के रिजर्वेशन काउंटर पर एक आदमी बैठता था। वो अपने काम में मशगूल रहता था और अपने काम से बहुत प्यार करता था। तो लोगों का कहना है कि मरने के बाद उस कमरे में जो काम करने जाता है, तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से लोग वहां जाने से डरने लगे हैं। नंबर छः पर है नैनी रेलवे स्टेशन, अलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मौजूद नैनी रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर रात के समय स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसे इसलिए होता है कि वहां के लोगों का कहना है कि स्टेशन के पास स्थित नैनी जेल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर बंद थे, जिन्हें खूब टॉर्चर किया जाता था। नंबर सात पर है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खंडवा के पास स्थित इस रेलवे स्टेशन को भी हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानी को मारकर फेंक दिया था। आज भी अगर कोई ट्रेन यहां से गुजरती है, तो ट्रेन को उनकी समाधि के पास रोककर उन्हें सलामी दी जाती है। वहां के लोग बताते हैं कि अगर ट्रेन रोककर सलामी ना दे, तो वहां एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर आठ पर है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, वेस्ट बंगाल। कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन को लेकर बहुत सी भूतिया कहानियाँ बताई जाती हैं। यहाँ रात 10:30 बजे लास्ट मेट्रो चलती है, उसके बाद स्टेशन वीरान हो जाता है। कई बार लोगों ने महसूस किया कि यहाँ अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच सामने दिखने लगती है और पलक झपकते गायब हो जाती है। इस मेट्रो स्टेशन पर कई लोग जान भी दे चुके हैं, जिससे लोग यहाँ आने से डरते हैं। नंबर नौ पर है मुलुंड रेलवे स्टेशन, मुंबई। मुंबई के मुलुंड स्टेशन के बारे में भी यात्रियों और लोकल लोगों का दावा है कि उन्हें यहां रात में किसी के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है।
दावा है कि यहाँ उन लोगों की रूहें हैं जो रेलवे ट्रैक को पार करते समय किसी हादसे का शिकार हो गए थे। नंबर 10 पर है सोहागपुर स्टेशन मध्य प्रदेश। यह भारत के हॉन्टेड स्टेशनों में से एक है जो कि भोपाल के नज़दीक स्थित है। यहाँ के लोकल लोगों का दावा है कि यहाँ पर कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती है जब यहाँ ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकती है, और रात के समय भी ऐसी आवाज़ें अक्सर सुनाई देती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये औरत की चीखने की आवाज़ में दर्द होता है जो बहुत खतरनाक लगती है, जिससे लोग डर के वहाँ नहीं जाते हैं। ये थी भारत के सबसे खतरनाक भूतिया स्टेशनों की लिस्ट, जो कि वहाँ के लोकल लोगों द्वारा बताई गई दिलचस्प कहानियाँ जिससे इन स्टेशनों को हॉन्टेड रेलवे स्टेशनों में लाती है, जहाँ आम पब्लिक दिन में तो जाती है लेकिन रात के टाइम इन जगहों पर अकेले जाने से बचती है। कुछ स्टेशनों के बारे में शायद आपको पहले से पता होगा और कुछ के बारे में आज इस वीडियो को देखकर पता चला होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ने इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।